और देश के कई राज्यों में रहने वाले लोग इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार से परेशान हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में तो कुछ ही घंटे की बारिश में कई इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया, जबकि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बरसाती नाले की चपेट में गाड़ी आ गई। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में भी एक बरसाती नाले की चपेट में गाड़ी आ गई, जबकि बलिया में भारी बारिश और बाढ़ से हालात दयनीय हो गए हैं। चार तस्वीरें दिल्ली और उत्तराखंड के अल्मोड़ा और चंपावत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही बलिया की भी तस्वीर है, जहां पर आसमानी आफत ने किस तरीके से कहर बरपाया हुआ है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दिल्ली में पानी भर जाने से लोग नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हाल है राजधानी दिल्ली के, जहां पर पानी इस कदर भर गया है। केदारनाथ हाईवे पर जो है जगहों पर स्लाइडिंग जोन खतरे का सबक बने हुए हैं। आज सुबह भी केदारनाथ हाईवे पर डोलियो देवी के देखते देखते विशालकाय चट्टान सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि उस दौरान कोई गाड़ी या लोग नीचे नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि इस जगह पर पिछले कई महीने से इसी तरह भूस्खलन हो रहा है, हर रोज लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। बात बद्रीनाथ हाईवे की कर लेते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद एक बार फिर से यह हाईवे बंद हो गया है। हाईवे गोचर कमेड़ा छिनका के पास मार्ग पर मलबा आने से बंद हुआ है और सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्री रास्ते में फंसे हैं। तो वहीं ऋषिकेश और हरिद्वार जाने वाली यात्री भी सुबह से ही फंसे हैं। हालांकि मौके पर मशीन लगाकर हाईवे खोलने का काम लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि दोपहर तक सभी जगह पर हाईवे खोल दिया जाएगा। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी हाईवे जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। डोलिया देवी के पास लैंडस्लाइड होने से रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि मलबा हटाने का कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही मलबा जो है वो हटा लिया जाएगा। तो हाईवे बंद होने से जाम जो है वो लग गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेसीबी की मदद से जो है मलबा उठाने का कार्य किया जा रहा है और जिसके चलते रास्तों को खोलकर एक बार फिर से आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। तस्वीरें आपके सामने, देखिए भयानक रास्ते हैं और काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है, और क्योंकि रास्ते में पत्थर आ जाने से, मलबा आ जाने से एक छोर से दूसरे छोर लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो काफी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को देखनी पड़ रही हैं, जिसके चलते रास्ते बंद हो गए हैं और रास्ते बंद हो जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो जरूरी सामान है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते भी लोग परेशान हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से लगातार पत्थर नीचे गिर रहे, पत्थरों की बौछार होने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। सड़क को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर के कारण परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी, जो पत्थर है वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके की तस्वीर पूरे पहाड़ में अलग अलग जगह से निकलकर सामने आ रही है और मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पत्थर गिर रहे हैं और पत्थरों के गिरने का सिलसिला ही लगातार जारी है। किन्नौर हिमाचल की तस्वीर है, उत्तराखंड की भी यही तस्वीरें हैं, लेकिन ये लोगों के लिए खतरा जरूर है, क्योंकि अगर यहाँ से आप गलती से भी निकलते हैं तो ये आपके ऊपर भी गिर सकते हैं। यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। वाराणसी में गंगा किनारे के सारे घाट जलमग्न हो गई हैं। बलिया में निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी पहुंचा है, जहां लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। प्रयागराज में मंदिरों में और आसपास के निचले इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कानपुर में भी गंगा नदी उफान पर है, ये रिपोर्ट देखिए। का
काशी में ये है गंगा का रौद्र रूप। गंगा नदी अब खतरे के निशान के पास बह रही है। वरुणा नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। घाटों के संपर्क रास्तों से टूट चुके हैं। जल पुलिस घाट किनारे मुस्तैद हो गई है। लोगों को पानी के पास जाने के लिए मना किया जा रहा है। बाढ़ में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट भी काफी हद तक डूब गया। नमस्कार वाली आकृतियां आधे से ज्यादा गंगा में समा गई। कुछ दिन पहले ही गंगा में नौकायन और क्रूज का संचालन भी बंद किया जा चुका है। गंगा के जलस्तर में हो रहे इजाफे की वजह से मणिकर्णिका, हरीशचंद घाट पर शवदा और दशाश्वमेध की गंगा आरती का स्थान बदला गया। जलस्तर बढ़ने से सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वाराणसी में रह रहकर हो रही बारिश से उमस से राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन सड़कों पर पानी जमा हो गया है। तेज बारिश के बाद काशी की सड़कों पर कई जगह पानी जमा हो गया। निगम का दावा था कि बारिश के पहले ही सीवर की सफाई कर ली गई है, लेकिन बारिश के बाद की तस्वीरें निगम के दावों पर सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी पार्किंग करने में, और यहाँ पानी भरा हुआ है पूरा, गाड़ी पार्किंग करने में एक पौड़ा घंटा बरसा है, फिर उसके बाद दोबारा 10 मिनट बरसा है, मिला के एक घंटा पानी बरसे हुए है। तो कितनी स्टेशन में पानी जल जमा लग रहा है? पूरा जल जमा हो गया है, देखिए गाड़ी। बलिया में भी नगर पालिका के महावीर घाट में हर तरफ पानी ही नजर आ रहा है। गायत्री मंदिर के चारों तरफ बसी कॉलोनी में बाढ़ का पानी आ गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों के अंदर भी पानी चला गया, जिसके चलते लोग अपने घरों में सामान को छत पर रखने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन से कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही है। अभी तो नहीं घुसा, लेकिन हमको कल तक आशा है कि जो है कि सबके कोई भी घर नहीं बचेगा, सारा घर डूब जाएगा। कई घरों में पानी घुस चुका है, जो नीचे है सर वो डूब गया है, और जो अभी एक फुट डेढ़ फुट ऊपर पे है घर, कल डूब जाएगा, कोई बचेगा नहीं। सामान को कहाँ लेके जा रहे हैं? अब सामान जैसे तैसे कहीं भी आदमी रखेगा, जहाँ ठेला मिल जाएगा वहाँ रख देगा। प्रशासन के लोग देखने आए कि आखिर ये पानी, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिला है। और सबसे बड़ी चीज, कभी नाव भी चलता है तो हमेशा लोगों को पैसा देना पड़ता है। चित्रकूट में लगातार दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते बरदहा नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से करीब 6 गांवों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग नदी के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। अब वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, नदी बाढ़ है, स्कूल तो यहाँ है नहीं, वो पढ़ रहे मानिकपुर में, वहाँ रह रहे हैं। तबियत खराब होने के बाद कहाँ जाते हैं आप लोग? अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब तो कोई वो है ही नहीं है, जाएंगे तो डबौरा जाएंगे, डबरा चल जाओ, कोई काम नहीं। बता रहे हैं उधर भी बढ़ा है ना, डबौरा कैसे जाएंगे? हाँ तो भाई उधर बाढ़ी है तो कहीं नहीं जा पाएंगे, यहीं रहेंगे। नदी का पानी चेक डैम के ऊपर से बह रहा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी नदी को पार नहीं कर सकता। नदी का वेग इतना तेज है कि लोग नदी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसे में बीमार शख्स को उचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों की मांग है कि शासन प्रशासन की ओर से जो लोग बीमार हैं उनके लिए कुछ खास इंतजाम जरूर करवाए जाए। मैडम है बीमार है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है, ना उधर पन्ना साइड से जो है उतारे नदी, ना इधर से उतारे, अब बताइए ले जाए तो ले जाए, कहाँ ले जाए, बड़ी आफत में पड़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी मुसीबत हूँ, क्या बताऊँ। भगवान मालिक है हम लोगों के लिए, कोई सुविधा नहीं है प्रधान जी, अब बताओ मैं घर तो करूँ क्या, ऊपरे वाला सहारा है, बाकी कुछ नहीं, कोई डॉक्टर वैद्य यहाँ है नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है प्रधान जी, अब बताओ ये बच्चे हैं, मैडम है, माता राम है हमारी, खड़े हैं 4 बजे समय। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि किनारों से कटान होना शुरू हो गया है। बिजवा ब्लॉक के नयापुर गांव के पास शारदा नदी में गांव के बाहर बना दुर्गा माता का मंदिर और एक मकान देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया। लखीमपुर खीरी में नयापुरवा गांव में ही एक मकान भी नदी में समा गया। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके किनारे बनाया गया मकान पलक झपकते ही नदी में समा गया। नदी में मंदिर और मकान समाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस मदद नहीं की गई। वहीं गांव की जमीन लगातार नदी में समा रही है। नदी के कटान से अब तक सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन नदी में समा चुकी है।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का पानी अब निचली बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने संगम के आसपास स्थित कई मठ मंदिरों और आश्रमों को भी अपनी आगोश में ले लिया है। प्रयागराज में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों से साफ है कि पानी कितनी तेजी से आसपास की जगहों पर बढ़ रहा है। संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर के पूरे परिसर में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। मंदिर परिसर में जिस सड़क पर गाड़ियां चलती थी वहां कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। एहतियातन मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु गहरे पानी में होते हुए मंदिर तक पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं। संगम किनारे हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों से साफ है कि कैसे नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी अब उन सड़कों पर नाव चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा और यमुना की नदी में गश्त कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।